वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि द इंडियन गर्ल। और मैं आ गई हूँ आज आपके लिए एक वीडियो लेकर के। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा या फिर करेंसी होती है जिसका उपयोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह किसी सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसका प्रबंधन ब्लॉकचेन टेक्निक के थ्रू किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो ये कुछ मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ जिन तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक प्रकार का डिजिटल लेज़र है जिसमें ट्रांजेक्शन की जानकारी विशेष रूप से रिकॉर्ड की जाती है। इस लेज़र की खास बात यह है कि ये पूरी तरीके से सुरक्षित है और प्राप्ति स्वतंत्र है। इसका यह मतलब होता है कि इसमें कोई भी डेटा या ट्रांजेक्शन को बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिप्टोग्राफी। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्रिप्टो करेंसी की सुरक्षा के लिए होता है। क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का उपयोग डेटा की सुरक्षा और जो यूजर्स होते हैं उनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांजेक्शन वेरिफिकेशन। इसका यह मतलब होता है कि जब कोई फाइनेंशियल या डिजिटल ट्रांजेक्शन होता है तो उसकी ऑथेंटिसिटी और वैलिड होने की जांच की जाती है ताकि ये सही ढंग से रिकॉर्ड हो सके और फ्रॉड है या गलत है ट्रांजेक्शन से बचा जा सके। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसमें वेरिफिकेशन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा वॉलेट। यदि आप क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वॉलेट की आवश्यकता होती है। वॉलेट आपकी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखता है और लेन देन की अनुमति देता है। ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के रूप में हो सकता है। तो आइए अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो टाइप होता है वो होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन पहली और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है जिसे सतोशी नाकमोटो नामक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था। यह डिजिटल मुद्रा है जिसका उपयोग लेन देन के लिए किया जाता है। अब सेकेंड आता है हमारा इथेरियम। इथेरियम एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को संचालित करने के लिए ईथर नामक क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग किया जाता है। नाउ थर्ड इज रिपल। रिपल एक डिजिटल पेमेंट प्रोटोकॉल है जो बिजनेस के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसका प्रयोग बैंकों या बिजनेस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके बीच लेन देन के लिए किया जाता है। नाउ फोर्थ इज लाइटकॉइन। लाइटकॉइन बिटकॉइन की तरह ही एक प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है लेकिन इसकी गति और लेन देन की प्रमाणिति में बेहतरीन सुविधाएँ हैं। नाउ फिफ्थ इज द बाइनेंस क्वाइन। बाइनेंस क्वाइन बाइनेंस एक्सचेंज की इक्विटी के रूप में उपयोग होता है जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांजेक्शन को सस्ते दरों पर प्रदान करना होता है। सो नेक्स्ट इज कार्डानो। ये एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न सेक्टरों में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करती है। नाउ नेक्स्ट आता है पोलका डॉट्स। पोलका डॉट एक इंटरऑपरेबल और स्केलेबल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाउ नेक्स्ट आता है तेजोस। ये एक ऐसी डिजिटल क्रिप्टोकरेंसी है जो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर काम करती है। इसकी खास बात यह है कि इसकी तकनीकी सुधारी जा सकती है, यानी कि इसमें नए फीचर्स लाए जा सकते हैं, इसमें बदलाव किया जा सकता है। सो नेक्स्ट इज चेनलिंक। चेनलिंक एक डिजिटल ओरेकल सर्विस है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को विभिन्न स्रोतों से डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। सो नेक्स्ट आता है क्रिप्टो करेंसी कैश। ये एक प्रकार का डिजिटल पैसा होता है जैसे कि आप ऑनलाइन चीज़ें खरीदने में या दूसरों के साथ व्यापार करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैश कहा जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का मुद्रा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप असली दुनिया में चीज़ें खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्रिप्टो करेंसी कैश को डिफरेंट ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जैसे कि सामान या किसी सेवाओं को खरीदने के लिए दूसरी क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दें। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी।